भिलाई में वाणी चल रही थी 18 अप्रैल 1967 प्रातः क्लास पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। मैं कोई कृष्ण में नहीं आता हूँ, कृष्ण का ही नाम क्यों लिया? राम को भी तो भगवान कहते हैं, बार बार ऐसे क्यों रिपीट करते हैं कि मैं कृष्ण में नहीं आता हूँ? कभी कभी ऐसे भी तो कहना चाहिए मैं राम में नहीं आता हूँ। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, एक ही बात बार बार बोलना, ये भी तो बोलना चाहिए कि भगवान राम नहीं है। कहीं मुरली में बोला क्या कि भगवान राम नहीं है, या राम बाप को नहीं कहा जाता है? कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, माना बच्चा बुद्धि को कहा जाता है, ये तो बोला। लेकिन राम बच्चे को कहा जाता है, बच्चा बुद्धि को कहा जाता है, ऐसे नहीं बोला। बच्चा माना रचना, बाप माना रचयिता, इससे साबित हुआ कि वो निराकार ज्योति बिंदु शिव राम बाप में बाप भगवान बन के आता है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज में नहीं आता भगवान बन करके, गॉड फादर बन करके नहीं आता। दुनिया वाले देखते भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, कहते भी हैं देव देव महादेव, देव ब्रह्मा देव विष्णु देव महादेव, फिर भी नहीं जान पाते। इन बातों को तुच्छ बुद्धि मनुष्य नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको माया ने तुच्छ बना दिया है। वो समझते हैं विष्णु सूक्ष्म बतन में रहने वाला है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर अगर सूक्ष्म बतन में रहने वाले होते तो इस दुनिया में उनके चित्र कहां से आ गए? विष्णु के तो चित्र बहुत दिखाए जाते हैं, तो सूक्ष्म बतनवासी नहीं साबित होता। वास्तव में वो युगल रूप है प्रवृत्ति मार्ग वाला। मात और पिता के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं अपनी सहयोगिनी शक्तियों के साथ जो पार्ट बजाती हैं, उनके संस्कारों का मेल विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। इसलिए विष्णु को चार भुजाएं देते हैं। चार भुजा माने चार आत्माएं हैं मददगार के रूप में। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, और शंकर के साथ पार्वती। परंतु शंकर का पार्ट
विनाश का पाठ शंकर नहीं बजाता, असुर संहारिणी शक्ति कही जाती है। महाकाली के रूप में, असुर संहारिणी के रूप में पूजा होती है। वो जगदम्बा का स्वरूप है, वो जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है। देखा जाए तो जो पहला ब्रह्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी प्रजापिता तब कहा जाता है ब्राह्मण तब बनता है जब ब्रह्मा के मुख से बात सुने। ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता नहीं हो सकता। ब्राह्मण बनता ही तब है जब ब्रह्मा के मुख से सुने। तो आज ब्रह्मा कौन हुआ? जिस ब्रह्मा के मुख से प्रजापिता ने भी पहली बार सुना। तो ब्रह्मा मुख वंशावली पहला ब्राह्मण हुआ प्रजापिता। परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते। तीन तबकों में ब्रह्मा को नीचे तबके में दिखाया जाता है। आज ब्रह्मा के रूप में जिस माता ने पाठ बजाया, उस माता के चले जाने के बाद कार्यवाहक रूप में जिस ब्रह्मा ने पाठ बजाया, वो कृष्ण बच्चे की आत्मा है। कृष्ण बच्चा वो माता का फर्स्ट क्लास पार्ट बजाता है। माता के अंदर जो विशेष गुण होता है सहन शक्ति, वो सहन शक्ति का आगार बन करके पार्ट बजाता है। तो वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ऐसे मुरली में बोला। जिसने कार्यवाहक रूप में माता के रूप में सहन शक्ति का फर्स्ट क्लास पार्ट बजाया, वो है जगदम्बा। लेकिन जब तक तन पुरुष का है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, इसलिए पूजा नहीं जाता। क्योंकि मां के रूप में परमात्मा ने उसके तन में पार्ट बजाया। वही ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है, तो शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्ची में पार्ट बजाता है। जो बच्ची यज्ञ के आदि में जगदम्बा थी, पहला आदि ब्रह्मा थी, वही शरीर छोड़ने के बाद दूसरे जन्म में माता बनती है, जगत पिता के साथ जगदम्बा के रूप में संसार में मान्यता प्राप्त करती है। उसमें कार्यवाहक ब्रह्मा
जो माँ का सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो प्रवेश कर जाती है। तो जगदम्बा के रूप में किसकी मान्यता होनी चाहिए? जैसे ब्रह्मा के तन में सेवा आया, राम के तन में सेवा आया, राम के तन में आकर के बाप टीचर सदगुरु का पाठ बजाता है, ब्रह्मा के तन में माता का पाठ बजाता है, तो किसके लिए गायन होता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तम मन एक, संस्कृत में कहते हैं तम युवाम माना तुम दो, यूयम माना तुम सब, तम युवाम यूयम, तो तम माना तू दाऊ। वो एक कौन है जिसके लिए गाते हैं तू ही मेरी माता है तू ही मेरा पिता है? कौन सी आत्मा हुई? शिव आत्मा हुई। ऐसे ही जगदम्बा के रूप में जिसका गायन है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाया, वो आत्मा कौन? आत्मा का गायन होता है या शरीर का गायन होता है? आत्मा का गायन होता है। दाढ़ी मूछ वाले रूप में जब पार्ट बजाया सहन शक्ति का, तो जगदम्बा का गायन नहीं हुआ, क्योंकि कन्याओं माताओं को संभाल करने के लिए ओम राधे जगदम्बा निमित्त बनी। वो भी पाठधारी थी, कार्यवाहक थी। वास्तव में ओरिजिनल जगदम्बा नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा के साथ जिसे जगदम्बा का मुरली में टाइटल दिया है कि वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, उसके साथ कदम के पीछे कदम रख करके पार्ट किसने बजाया? संस्कार मिला के किसने दिखाया? पहले पहले ब्राह्मणों की दुनिया में ओम राधे जगदम्बा। इसलिए देवियों में वो मुख्य देवी साबित हो जाती है। अब चूंकि ब्रह्मा को जगदम्बा कह दिया है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, तो ओम राधे मम्मा जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी, ऊंची स्टेज में उसे रखा जाए या जिसको फॉलो करती थी उसे रखा जाए? इसको फॉलो करता था। उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करता था और ओम राधे जगदम्बा में परमात्मा शिव प्रवेश नहीं करता था। इसलिए बोला कि देवी एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में उसे एक ही देवी की पूजा होती है। तो कौन देवी हुई? जगदम्बा। जगदम्बा अगर देवी है तो ब्रह्मा के लिए बोल दिया, ब्रह्मा साबित होता है, क्योंकि मुरली में बोला है यह ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इस ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाले को कैसे रखा जाए? इसलिए जगदम्बा सरस्वती ओम राधे निमित्त बनी हुई है। तो कौन हुई पहली देवी? सरस्वती ओम राधे सरस्वती, वो तो निमित्त बनी, इसलिए
क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा का तन पुरुष का था। अगर पुरुष का तन न होता तो कौन थी जगदम्बा? वास्तव में ब्रह्मा ही जगदम्बा हुई ना। तो पहली देवी फिर कौन हुई? ब्रह्मा। जो यज्ञ के आदि में पहले निमित्त बनी वह हुई सुनाने के लिए, या उसको भी सुनाने वाली कोई दूसरी थी? यज्ञ के आदि में जिस माता ने प्रजापिता को सुनाया वो थी गीता माता। लेकिन गीता माता को भी किसने सुनाया? ब्रह्मा है? दादा लेखराज ब्रह्मा ने सुनाया, क्योंकि उनको साक्षात्कार हुए थे। तो दूसरा जन्म लेकर के सहन शक्ति का जो विशेष गुण है माता का, वो किसके द्वारा बजाया गया? जिसको टाइटल दिया बाबा ने, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। इसलिए कहा एक ही देवी है जो अनेकों में प्रवेश करके अलग अलग देवियों के रूप में पार्ट बजाती है। दादा लेखराज का तन छूट जाता है, अगले जन्म में जिस माता में प्रवेश करते हैं उस माता के द्वारा सारे संसार में जगदम्बा की रूप में उनकी पूजा होती है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के रूप में भल पूजा नहीं होती है, लेकिन उसी आत्मा की जगदम्बा के रूप में माता के चोले में प्रवेश करने के बाद पूजा होती है। तो असली जगदम्बा कौन सी आत्मा हुई? जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव शिव के लिए है कहा जाता है, ऐसे ही जगदम्बा किसे कहा जाए? है दादा लेखराज ब्रह्मा। जो काम करे उसका नाम पड़े, काम न करे तो नाम न पड़े। शास्त्रों में जो भी नाम है इस आधार पर है, काम के आधार पर नाम है। रावण, रुलाने वाला रावण, युधिष्ठिर जो अंत तक युद्ध में स्थिर रहे, देहम वा पात्या में कार्यम वा साध्या में देह बल छूट जाए तो भी जब तक षष्ठी का नाश नहीं हो जाएगा, नई षष्ठी जब तक बन न जाए तब तक वो अपना काम करना छोड़ने वाला नहीं है। कहते हैं ना, अरे हम मर भी जाएंगे तो भूत बन करके काम करेंगे। तो ब्रह्मा का पाठ वास्तव में किसका हुआ? ब्रह्मा माने ही जगदम्बा। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, जगत माना सारा जगत, माँ माने माँ, सारे जगत की माँ तो सबसे बड़ी माँ हुई ना। तो ब्रह्मा के रूप में वो पार्ट हुआ जो अष्ट शक्तियों के रूप में, नौ देवियों के रूप में गाया जाता है। ब्रह्मा हुई आत्मा, और जगदम्बा के रूप में जो चोला दिखाया जाता है वो हुआ डब्बा। शरीर डब्बा का आत्मा नहीं, वो अपनी आत्मा है, लेकिन सहन शक्ति का वो पार्ट नहीं बजाया जो माता को बजाना चाहिए। वो किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया। इस आधार पर शरीर को महत्व जाता है, शरीरधारी को महत्व जाता है, या जो आत्मा कार्य करके दिखाती है उसको महत्व जाता है?
कार्य करने वाली आत्मा को महत्व जाता है। जैसे क्राइस्ट ऊपर से प्रवेश करता है, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करता है, जीसस में प्रवेश करता है, तो जीसस गाया जाता है या क्राइस्ट गाया जाता है? जीसस में क्राइस्ट गाया जाता है, लेकिन आत्मा कौन सी याद की जाती है? वो जीसस वाली देव आत्मा याद की जाती है या क्राइस्ट की आत्मा क्रिश्चियन याद करते हैं? क्रिश्चियन किसे याद करते हैं? ऊपर से आने वाली सात्विक आत्मा को याद करते हैं या जिस तमो प्रधान आत्मा में प्रवेश करता है क्राइस्ट उसको याद करते हैं? ऊपर से आने वाली सात्विक आत्मा और नीचे वाली तमो प्रधान आत्मा किसको याद करते हैं? सात्विक आत्मा को याद करते हैं। ऐसे ही कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल, वो भी जगदम्बा में प्रवेश करती है क्योंकि शरीर का नाम पड़ता है जगदम्बा, आत्मा का नाम नहीं पड़ता। दुनिया आत्मिक रूप में किसी को पहचानने वाली है या देह के रूप में पहचानती है? आत्मिक रूप में पहचानती है। आत्मिक रूप में आत्मिक दृष्टि ही नहीं है किसी की, तो पहचानेगी कैसे? तो देह के रूप में दुनिया देखती है। क्राइस्ट की भी जो पूजा हो रही है वो देहधारी कौन है? जीसस है। लेकिन पाठ बजाने वाली आत्मा कौन है? क्राइस्ट है। तो क्राइस्ट वाली आत्मा का गायन है, उसके चित्र लगाते हैं ऊंचे स्थान पर, उसका चित्र आए नहीं, जीसस का चित्र लगाते हैं, लेकिन चित्र लगाते लगाने वाले ये नहीं जानते कि ये जो चित्र है उसमें चरित्र बनाने वाला कौन है? चरित्र किसने किया क्राइस्ट का, वो नहीं जानते। और हम बच्चे क्या देखते हैं? हम आत्मा को देखते हैं कि शरीर को देखते हैं? हम बच्चे आत्मा को देखते हैं। तो जो आत्मा को देखते हैं जरूर वो देवात्मा होंगे, और जो देह को देखते हैं वो क्या हुए? राक्षस हुए। देवात्मा और दैत्य आत्मा, ये दो अलग अलग हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा में भी शिव ने जब प्रवेश किया तो जिन्होंने ब्रह्मा दादा लेखराज को देखा उनके चित्र और चेहरे को याद करते रहे, उनकी गोद का सुख लेते रहे, वो हो गए पुखवंशावली राक्षसी ब्राह्मण। और जिन्होंने मुख से निकली हुई बात को फॉलो किया, मुख से निकली हुई मुरली को फॉलो किया, मुरली से प्यार किया, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, वो देवात्मा बन गई। 84 जन्म लेने वाली, उनकी संख्या कितनी है? 9,16,108 आत्माएं निकलती हैं इतनी 500-700 करोड़ की सृष्टि में से, जिन्होंने मुख से निकले हुए ज्ञान को पहचाना, उनमें भी 4.5 लाख ऐसे हैं जो आंख बंद करके पहचानने वाले हैं। जैसे आंखों के अंधे इसलिए नाम पड़ा धृतराष्ट्र,
सारी धन संपत्ति को धर के बैठने वाली। यज्ञ के आदि में यज्ञ की जो भी सत्ता थी, चाहे धन की चाहे तन की और चाहे यज्ञ के अंदर जो भी मान मर्तबा होता है, उस मान मर्तबे की सत्ता वो कौन धर के बैठ गया और किसके लिए ये गायन है? अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का रही। अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को सौंप दी। ये गायन किसके लिए है? किसने किसको सौंप दी? भागीदार तो दोनों ही थे। दुकान में भागीदार तो दोनों ही थे ना, एक ने धन लगाया, दूसरे ने तन लगाया, बुद्धि लगाई। तो ये गायन किसके लिए है? अरे अलफ को मिला अल्लाह, अलफ माना जो खड़ा रहे पुरुषार्थ में, आदि में भी खड़ा था, मध्य में भी खड़ा रहता है और अंत में भी खड़ा रहता है। हिम्मत हारने वाला नहीं है और बे माना पड़ा डंडा, ब्रह्मा बाबा पड़ा हुआ। हिम्मत हार गया, हार्ट अटैक माना। श्री बाबा कहते हैं जब विनाश होगा तो जो आज की दुनिया के बड़े बड़े आदमी हैं, मल्टी मिलियनायर हैं, अरबपति हैं, उन सबके हार्ट फेल होने लगेंगे। क्यों होने लगेंगे? समतल आत्मा। मुरलियों में बोला है योगियों का तो हार्ट फेल नहीं होता और उनके हार्ट फेल होने लगेंगे। तो जो भोगी होते हैं उनका हार्ट कमजोर होता है या जो योगी होते हैं उनका हार्ट कमजोर होता है? भोगियों का हार्ट कमजोर होता है और योगियों का हार्ट पावरफुल होता है। किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात का बाण मार दिया, घाव हो गया और मर गए। जो शास्त्रों में गायन है, कृष्ण के लिए क्या कहते हैं कि कृष्ण भगवान था। कैसा भगवान? इतना बड़ा भारी महाभारी महाभारत युद्ध कराई दिया, सारी दुनिया में रिवॉल्यूशन कर दिया, क्रांति करने वाला पार्ट था। फिर क्या हुआ, अंत क्या हुआ? एक बहेलिए ने तीर मारा, पांव में थोड़ा घायल हुआ और खेल खला। ये इतना बड़ा बितंडावाद कृष्ण के लिए किसने खड़ा किया? ये शूटिंग कहाँ होती है? संगम किसके द्वारा होती है? शंकर है, ये ब्रह्मा को, दादा लेखराज ब्रह्मा को उर्फ कृष्ण को साकार में भगवान मानने की शूटिंग करने वाले कौन? 63 जन्म में जिन्होंने शास्त्र लिखे वो तो बाद में, लेकिन जब इस ड्रामा की शूटिंग होती है उस समय शूटिंग करने वालों के ऊपर ये जिम्मेवारी जाती है कि उन्होंने देहधारी को भगवान मान लिया। और देहधारी भी कौन? शंकर जी।
जो इस सच रूपी वृक्ष का पहला पहला देहधारी है, पहला पत्ता है। कौन है पहला पत्ता? इस सृष्टि का पहला पहला देहधारी कौन? कृष्ण वाली सोल। दादा लेखराज वाली सोल। बाबा कहते हैं जितने भी देहधारी हैं वो सब नीचे गिराने वाले। फिर ऊंचा उठाने वाला कौन है? ऊंचा उठाने वाला कौन? जब मनुष्य शक्ति के सारे ही मनुष्य मात्र सब देहधारी हैं, सब नीचे गिराने वाले हैं, फिर उठाने वाला कौन? उठाने वाला शिव नहीं कहा जा सकता। शिव माना ज्योति बिंदु, मेरी बिंदी का नाम शिव है। बिंदी नहीं ऊंची उठा सकती। बिंदी भी तब ऊंचा उठाती है जब कोई देहधारी में प्रवेश करे। तो 500-700 करोड़ मनुष्य की सृष्टि, उनमें से कौन सा देहधारी जिसमें प्रवेश करके सारी सृष्टि को उठाने के लिए निमित्त बनाए, और उसमें क्या शिफ्ट है? कोई तो शिफ्ट होनी चाहिए। जो शिफ्ट है, जो विशेषता 500-700 करोड़ मनुष्यों में नहीं होती, वो कौन सी विशेषता है? नहीं तो निराकारी स्टेज तो शिव की है। शिव सदा शिव है, वो तो सदा काल तो निराकारी नहीं रहता। जिसमें प्रवेश करता है वो सदाकाल निराकारी है या सिर्फ थोड़े समय के लिए निराकारी बनता है? थोड़े समय के लिए निराकारी बनता है, बाकी 84 जन्म तो लेता है, साकारी तो बनना पड़े। तो ये नहीं कहा जा सकता। पहला बीज है, पहला बीज है। हाँ, बीज वो तो बीज सब आत्माएं हैं। हर आत्मा रूपी सितारे में अपना अपना अपनी अपनी एक दुनिया समाई हुई है। तो अपनी अपनी दुनिया के तो सब बीज हैं। कोई छोटी दुनिया के बीज और कोई बड़ी दुनिया के बीज, वो तो हैं। लेकिन वो शिफ्ट क्या है जो और बीजों में नहीं है? 84 जन्म, 4.5 लाख लेते हैं, 9 लाख लेते हैं, है? अटल। हाँ, ये बात ठीक है कि सच्चाई पर अडिग हो करके रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं। कोई सच्चाई पर अडिग रहती है आदि से अंत तक, और कोई झूठ के प्रभाव में आ जाते, झूठी दुनिया का ही रास्ता अपना लेते। तो एक राजा की कथा गाई जाती है, राजा हरिश्चंद्र। दूसरी कथा गाई जाती है सत्यनारायण की। एक की ही कथा है, कोई दूसरे मनुष्य मात्र की कथा नहीं है। पूजा मंदिरों में होती है लक्ष्मी नारायण दोनों की। लक्ष्मी का नाम पहले और नारायण का नाम
बाद में। अरे लक्ष्मी सच्ची होनी चाहिए, सत्य लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं, हरिश्चंद्र की कथा है, सत्य तारामती की कथा क्यों नहीं कही जाती। जरूर एक ही आत्मा है जो सच्चाई पर अटल रहती है और बाकी सब सितारे सच्चाई से हिल जाते हैं। एक सच्चा और बाकी सारी दुनिया झूठ ही साबित हो जाती है। इसलिए बोला कि एक है तारने वाला और बाकी सब है डुबोने वाले। वो एक की सच्चाई सृष्टि के आदि से लेकर के 5000 वर्ष की जो भी सृष्टि है, वो सारी सृष्टि के चक्र में वो एक की सच्चाई काम करती है। सत्य अटल होता है और झूठ टलने वाला होता है। अडिग होता है माना सत्य को सच्चे पांव होते हैं टिकने के लिए और झूठ को पांव नहीं होते, झूठ तिरकता रहता है। झूठा आदमी एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, दूसरे झूठे के पीछे तीसरा झूठ बोलता रहता है। जो सच्चा होगा वो सदैव सच्चा होगा। इसलिए वो एक सत्यधाम बनाने के निमित्त बनता है। इसलिए बोला तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जो ऊपर परम धाम है कहा जाता है, सारी सृष्टि के चारों ओर परम धाम है, वो तो है ही है, वो तो निराकारी दुनिया है, लेकिन इस सृष्टि पर भी, साकारी दुनिया पर भी निराकारी आत्माओं का संगठन इकट्ठा हो जाता है। साकार में रहते हुए भी निराकारी, तो ब्रह्मा को दिखाते हैं साकार। एक भी चित्र ऐसा नहीं है ब्रह्मा का जो निराकारी स्टेज वाला हो। और शंकर को दिखाते हैं जैसे सब धर्म पिताओं को दिखाया है निराकार, ऐसे शंकर को भी दिखाते हैं निराकार। परम धाम के सबसे नजदीक किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ये स्टेज बनाने के लिए जो आत्मा निमित्त बनती है, उसको निमित्त कौन बनाता है? शिव बाप बनाता है। शिव बाप के संग के रंग से मुकर्रर रूप से प्रवेश होने के कारण वो आत्मा भी निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, जब तक ये सच रूपी रंगमंच पर शूटिंग का कार्य होता है, रिकॉर्डिंग का कार्य होता है, रिहर्सल का कार्य होता है, तब तक ये पार्ट बजाने के निमित्त बन जाती है।
फिर कृष्ण का नाम कैसे डाल दिया गया? कि कृष्ण गीता का भगवान है। कृष्ण को रचयिता कैसे मान लिया गया? यज्ञ के आदि में जो भी ब्राह्मणों की सृष्टि थी उस पर आधिपत्य जमा करके कौन बैठा? और अधिष्ठाता की स्टेज पर बिठाने वाले कौन थे? बैठा कौन और उसके बिठाने वाले कौन? कोई तो होंगे, कौन थे? प्रजापिता बिठाने वाला बिठा के गया था कि झगड़ा हुआ था? झगड़ा हो गया। बिठाने वाला था या झगड़ा हुआ था यज्ञ के आदि में? जो आदि में सो अंत में भी होता है, और आदि में ब्रह्मा बच्चा आगे नहीं बढ़ा, कृष्ण बच्चा आगे नहीं था, कौन था आगे? है आदि में भी माता निमित्त बनी थी, वो चाहे महाभारी महाभारत युद्ध के रूप में दिखाया जाए, चाहे रामायण के युद्ध में दिखाया जाए, और चाहे देवासुर संग्राम के रूप में दिखाया जाए, वो लड़ाई का निमित्त कौन बनता है? है द्रौपदी कह कही नहीं सीता, द्रौपदी निमित्त बनती है, सीता निमित्त बनती है। बाबा ने बताया है श्रीमत की लीका को तोड़ा तो सीता रावण की जेल में चली गई, इसलिए नारी निमित्त बन जाती है। नारी क्यों निमित्त बनी, नर क्यों नहीं निमित्त बना? नारी को शास्त्रों में निमित्त क्यों दिखाई दिया, नर को निमित्त नहीं दिखाया? नर में भगवान क्यों आता है, नारी में क्यों नहीं आ जाता? नारी चोले में आने में क्या अर्ज है? मुरली में तो बोला है जो भी कन्याएं माताएं हैं सब द्रौपदियां हैं, सीताएं हैं, पार्वतियां हैं, पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, सब दुर्योधन दुशासन, सब माने कौन कौन? विष्णु चतुर्भुज में कितनी आत्माएं काम करती हैं? हैं? पांच ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, मानो पांचों आत्माएं ब्रह्मा सो विष्णु बन जाती है, संपूर्ण तो बनती है, लेकिन विष्णु बनने से पहले दुर्योधन दुशासन के रूप में कौन कार्य करते, और सीता पार्वती और द्रौपदी के रूप में कौन कार्य करते? कौन कौन है? सीता जी ब्रह्मा सो जगदम्बा में प्रवेश करके महाकाली का पार्ट बजाते, चंडिका देवी का पार्ट बजाते। चंडिका देवी का जो पार्ट है
वो श्रेष्ठ भक्तों के द्वारा पूजा जाता है। ये बंगी चमारों और चोर चकार डकैतों के द्वारा पूजा जाता है। जो श्रेष्ठ तबके के लोग भक्त होते हैं उनके द्वारा क्यों नहीं पूजा जाता? पूजा का आधार क्या होता है? प्योरिटी। ब्राह्मणों का तबका होता है, क्षत्रियों की जाति होती है और शूद्रों की भी जाति होती है। प्योरिटी का जहां तक सवाल है वो ब्राह्मणों को ज्यादा ऊंचा माना जाता है या शूद्रों को ज्यादा ऊंचा माना जाता है? ब्राह्मणों को ऊंच मानते हैं, कहते हैं ब्राह्मण देवता, देवता समझ करके ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, भोजन खिलाते हैं। शूद्रों को भोजन नहीं खिलाते, बचा बचाया जो ब्राह्मणों को होगा सो शूद्रों को दे देते। शूद्रों की विचारों की पूजा नहीं होती, क्या कारण रहा होगा? है इम्प्योरिटी। मुरली में भी बोला है इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। क्या पवित्रता से बनती है यूनिटी, प्योरिटी से यूनिटी और इम्प्योरिटी से डिसयूनिटी। इतनी 500-700 करोड़ की दुनिया, सारी दुनिया में रावण राज्य की यूनिटी बनी हुई है। 10 सिरों की यूनिटी है कि नहीं? है? अगर न होती तो 10 सिर वाला रावण चित्रों में क्यों दिखाया जाता? माने यूनिटी का चरित्र तो किया है ना, वो चित्र के रूप में आज भी रावण जो है चित्रित किया जाता, भले पूजा नहीं होती है। इसका मतलब यूनिटी बना के दिखाता है। लेकिन जो प्योरिटी देवताओं में होती है वो यूनिटी नहीं है। देवताओं की प्योरिटी और असुरों की प्योरिटी और यूनिटी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सेना तो देवताओं की भी होती है, सेना असुरों की भी होती है। सेना होती है इससे साबित होता है कुछ न कुछ यूनिटी है तो ना, नहीं तो ये सेना कैसे तैयार हो गई? यूनिटी तो है, लेकिन जो भगवान प्योरिटी सिखाता है, यूनिटी सिखाता है, वो प्योरिटी नहीं होती। भगवान की प्योरिटी और साधु संन्यासियों की प्योरिटी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भगवान कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र बन करके दिखाना है। गृहस्थ को तोड़ना नहीं है, जिसके साथ एक बार गठबंधन जोड़ लिया उसको जीवन भर निभाना है। निभाने से नंबर मिलते हैं यूनिटी के, कि यूनिटी को निभाया माना प्योरिटी को निभाया। और डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया और दूसरे को अपना लिया, तो जो सच्ची यूनिटी है वो तोड़ दी या निभाई? तोड़ दी। तो असली यूनिटी भगवान बाप आकर के सिखाते,
उन सन्यासियों की है डुप्लीकेट यूनिटी। घरग्रस्त को छोड़ जाते हैं, संसार समझता है इन्होंने तो बड़ी पवित्रता धारण कर ली। एक तरफ संसार छोड़ जाते हैं और दूसरी तरफ मठ पंथ जमा के संसार बना लेते हैं। कोई भी कामजीत नहीं बन के दिखाया, कोई सन्यासी उदासी ने आज तक कामजीत बन करके दिखाया? काम जीते जगत जीत होना चाहिए। कोई भी धर्म पिता, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी साधु सन्यासी जगत जीत के रूप में संसार के सामने पेश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बल ग्रहग्रस्त को छोड़ देते हैं तो भी इंद्रियां चलायमान रहती हैं। इंद्रियां चंचलता करती रहती हैं, इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। कहावत है, इंद्रिय जीते जगत जीत। कोई ने भी इंद्रिय को नहीं जीता। शंकर के लिए गायन है कि उन्होंने काम को जीता, कामदेव को भस्म कर दिया। इंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल किया कि शंकर का जो विग्रह है, शरीर रूपी विग्रह है, वो आज भी पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? लिंग के रूप में पूजा जाता है। वो शरीर की प्रक्रिया ऐसी बना ली कि जैसे इंद्रियां होते हुए भी न होने के समान, कानों से ग्लानी सुनते हैं सारी दुनिया की, रेडियो में सुनते, टेलीविजन में सुनते, अखबारों में सुनते, मिलने जुलने वाले मनुष्यों के द्वारा सुनते, समाज के द्वारा सुनते, परिवार के द्वारा सुनते, अलौकिक ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी सुनते। जिन बच्चों ने यज्ञ के आज में खून से लिख लिख करके दिया था, उन बच्चों ने भी ग्लानी कर दी, छोड़ के चले गए। ब्रह्मा का आसरा ले लिया। न ब्रह्मा ने बाप की परवाह की, न दूसरे ब्राह्मण बनने वालों ने बाप की परवाह की, न माता का देवियों के रूप में जो पूजी जाती है, उन आत्माओं ने भी परवाह नहीं की। माताओं ने भी किसको फॉलो किया? यज्ञ के आदि की माताओं ने किसको फॉलो किया? बाप को फॉलो किया या ब्रह्मा को फॉलो किया? ब्रह्मा को फॉलो किया। कौन से ब्रह्मा को फॉलो किया? दाढ़ी मूछ वाले को या आदि ब्रह्मा को? वो तो बच्चा था। वो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को भी और जगदम्बा सरस्वती ओमराजे को भी पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन था? तो जो उनको भी पढ़ाई पढ़ाने वाला था उनको फॉलो करने वाले थे या दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को फॉलो करने वाले थे? किसके कहा जाए? जो आदि ब्रह्मा निमित्त बना उसको सबने फॉलो किया। जैसे उसने रास्ता दिखा दिया सबने वही रास्ता अपना लिया। तो सारी दुनिया ग्लानी करती है। जो मुरली में बोला सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को मत भूलना। ये नहीं कहा शिव बाबा को मत भूलना। क्या बोला? बाप को मत भूलना। ये बाप कौन?
है? राम बाबू, राम बाबू नहीं भूला, अपना अपने को ही नहीं भूले, शिव बाप को नहीं भूला। जैसे और धर्म पिताएं होते हैं, चाहे भी कोई भी धर्म की स्थापना करने वाली धर्म पिताएं हो, सब बीज हैं, वो स्वतः अपने में बीज हैं, वो सब धर्म पिताएं साकार तो होते हैं ना, शरीर का जन्म तो लेते हैं ना, तो वो सब धर्म पिताएं निराकारी बीज रूप स्टेज वाले हैं आदि में। ऐसे ही प्रजापिता भी आदि में क्या है? बीज रूप स्टेज वाला है। कैसा बीज? जो हरा फल होता है, उस हरे फल में जो बीज होता है, वो बीज फल से कनेक्टेड होता है, फल टहनी से कनेक्टेड होता है, टहनी वृक्ष से कनेक्टेड होती है, तने से कनेक्टेड होती है, और तना जड़ों से कनेक्टेड होता है। माने सब का एक दूसरे से लिंक जुड़ा हुआ है, संबंधों का, देह और देह के संबंध में फंसे हुए होते हैं। लेकिन जब बीज पक जाता है, फल पक जाता है, तब क्या स्टेज बनती है? बीज वृक्ष से अपने को डिटैच कर लेता है, सारे वृक्ष से डिटैच करता है, फलों से, फूलों से, टहनी से, पत्तों से, तने से, जड़ों से, सबसे अपने को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनता है, या कोई से अटैचमेंट रहता है? कोई से अटैचमेंट नहीं रहता। ये पढ़ाई पढ़ाने में शिव बाबा माहिर है। कौन सी पढ़ाई? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। वो पढ़ाई पढ़ने में कौन माहिर है? जो पढ़ करके फिर दूसरों को पढ़ाता है। शूद्रों को ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्राह्मण बनाता है शिव बाबा। ब्राह्मण ऊंचे होते हैं या देवताएं ऊंचे होते हैं? ब्राह्मण ऊंचे गाए गए हैं। तो शूद्रों को ब्राह्मण तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से बनाया, ब्राह्मण से ब्राह्मण पैदा हुए, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। विष्णु को फॉलो करते हैं तो वैष्णव कहे जाते हैं। ऐसे ही एक मात्रा बड़ी ना बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में। ऐसे ही ब्रह्मा को फॉलो करते हैं तो ब्राह्मण कहे जाते हैं। देवता कब कहे जाते हैं? देवता किसकी औलाद? देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? डॉक्टरों को डॉक्टर बनाने वाला डॉक्टर, इंजीनियरों को इंजीनियर बनाने वाला इंजीनियर। पढ़ाई तो होती है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा तो पढ़ाने वाले कौन होंगे? इंजीनियर। वकीलों को वकालत पढ़ाने वाला, बैरिस्ट्री पढ़ाने वाला बैरिस्टर होगा। तो देवताओं को देवता बनाने वाला कौन? कौन बनाएगा? महादेव। विष्णु बनाएगा? महादेव। अरे विष्णु में चार भुजाएं तो कैसी है? अलग अलग तो हैं। चार भुजाएं नीचे ऊपर दाएं बाएं अलग अलग तो हैं।
लेकिन वो चलने वाली है या चलाने वाली है? चलने वाली है। चलने वाली। चार भुजा रूपी जो चार आत्माएं हैं वो स्वयं चलने वाली है या चलाने वाली है? चलने वाली। वो चलती है माने उनको चलाने वाला कोई और है, वो कौन है? शंकर। वो तो है, बिंदु तो है ही है, लेकिन उन चार भुजाओं के ऊपर वो चार भुजाएं किसको सहयोग देती है? शिव ज्योति बिंदु को सहयोग देती है या प्रजापिता के विश्व की बादशाही बनाने में सहयोग देती है? शिव तो विश्व का बादशाह बनता नहीं है, उसे बादशाही लेनी भी नहीं है, उसको तो वापस जाना है। फिर साकार में कौन है वो जिसको वो भुजाएं सहयोग देती है? प्रजापिता कहे ना, मुरली बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज संगमयुगी कृष्ण। तो गॉड हुआ शिव और शिव गॉड के नेक्स्ट हुआ प्रजापिता। जो विश्व का मालिक बनता है ऊंचते ऊंचे साकार में कौन? प्रजापिता। साकार में जो ऊंचते ऊंचे है उसके द्वारा ही गाया जाता है गीता का भगवान। ब्रह्मा ऊंचते ऊंचे नहीं है, माँ के द्वारा बादशाही नहीं मिलती, वर्षा नहीं मिलता, बाप के द्वारा वर्षा मिलता है। तो जो बाप प्रजापिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप गाया जाता है, मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा उसको मानती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उस आदि पुरुष को मानते हैं, आदि पिता को। वो हुआ प्रजापिता, वही गीता का साकार भगवान के रूप में सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है। आदि में भी वो बीज था और अंत में भी वो बीज बन करके रहता है। इसलिए जगन्नाथ के मंदिर में जो दो भुजाएं दिखाई जाती हैं, लेफ्ट साइड की विनाशकारिणी शक्ति और राइट साइड की स्थापना और पालना करने वाली शक्ति, वो दोनों भुजाएं कैसी दिखाई जाती हैं? है, टूटी हुई दिखाई जाती है। माना माया का ऐसा वितंडावाद फैलता है संसार में कि भगवान के रूप में जो पाठ बजाने वाला साकार भगवान है, सारे जगत का पिता है, सारे जगत का नाथ है, उनकी सहयोगिनी विशेष शक्तियों को भी तोड़ देती है। कौन है? माया। माया। इसलिए माया को टाइटल मिला हुआ है कौन सा? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान। एक बार तो सांप को अनिश्चय पैदा कर देती है। बाप ने दिया है? बाप ने दिया ऐसा करके। बाप सच्चा है या झूठा है? सच्चा। सच्चा बाप है तो कुछ नियम बनाएगा ना, वो नियम बनाता है। कौन बुद्धि से सरेंडर होता है पहले? माया। माया बुद्धि। 300-400 यज्ञ के आदि में भी बुद्धि से सरेंडर हुए थे क्या? बुद्धिमान बाप की बुद्धिमान, ये बुद्धिमान बाप जो बुद्धिमानों की बुद्धि है
उसके सामने सरेंडर हुए थे क्या? बाप के सामने सरेंडर हुए थे आदि में कि आदि ब्रह्मा के सामने सरेंडर होकर रह गए? किसके सामने सरेंडर हुए? अरे ब्रह्मा के सामने, यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ था यज्ञ के आदि में, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, तो बाप का साथ दिया था या अम्माओं का साथ दिया था? अम्माओं का साथ, माताओं का साथ दिया, माता। बाप का साथ किसी ने नहीं दिया। जो आदि में होता है वो अंत में भी परीक्षा होती है, अगर परीक्षा ना हो तो माला के मन के तैयार नहीं कहे जाएंगे, माला नहीं बनी जाए मानी जाएगी। नंबर वार ओम शांति।